से हम निकालते थे, इसकी कंडीशन देख लें आप VIP। इस तरीके से आया रायता, सुभान अल्लाह कमाल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मैंने काफ़ी रेसिपियाँ दी बिरयानी की, कमर्शियल लेवल पे, छोटे लेवल पे, दरमियाने लेवल पे, हर तरीके की रेसिपियाँ मौजूद हैं चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर कॉल आ रही थी कि फटाफट से हमें ऑर्डर आ जाते हैं, जो निजी कंपनियों से जिन लोगों ने कारोबार शुरू किया हुआ है, बैंक्स में या स्कूल्स में जो ऑर्डर देने होते हैं, वो किस तरीके से हम बिरयानी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि मैं कुकिंग को मजीद आसान करने वाला हूँ, आज ते गल ही मुका रहे हैं, किस तरीके ना तैयार कर रहे हैं तुसी गौर नाल वेखियो। सबसे पहले मैंने क्या किया, कच्ची बासमती स्टीम वाला चावल 1 kg ले लिया, ठीक हो गया। इसमें डाल दें और इसको 20 मिनट के लिए भिगो के रख दें। स्टेप नंबर 1, तवज्जो नाल सुनते आओ, हर काम हुण तुहानू मैं दस रहा शॉर्ट तरीके नाल दस रहा। इसको भिगो दिया, इसको साइड पर कर दें, ये स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया। नंबर 2, 1 kg मैंने चिकन लिया। मैंने आपको कई दफ़ा बताया, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 1 kg वाले चिकन के 12 पीस करवाने हैं आपने, ये 12 पीस करवाए इस साइज़ में, फिर आपकी एक बिरयानी की प्लेट में एक बोटी जाएगी फुल में, ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 tablespoon भर के, हल्दी इसमें जाएगी 1 teaspoon, नमक 1/2 tablespoon या अपने टेस्ट के हिसाब से, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 tablespoon शामिल कर दें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1, 2 या 3 tablespoon, और ये मेरे पास है येलो फूड कलर, ये लाजमी जाएगा, ये इसमें शामिल कर दें, ये देखें इतना सा है, 1/4 teaspoon शामिल कर दें इसमें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। क्या ही बात है, ये देखें, आप कहेंगे मैंने आज कोई चीज़ तैयार करके दिखाई और किस तरीके से तैयार करूंगा वो भी देखेंगे। ये मेरे पास आलू थे 2 अदद, मैंने इनको इस तरह छील के इस तरह काट लिया, ये भी चिकन में ही डाल दें, गाली मोक रही है बस, इसको भी साथ ही कलर भी चढ़ जाएगा आलू वालू तो सारा कुछ ही हो जाएगा। ये बाबा बिरयानी का नाम मैंने इसको दिया है, जदीद रेसिपी के साथ। इस टाइम पे एड 2 tablespoon लेमन जूस, अगर लेमन जूस नहीं है तो फ्रेश लींबू तो काट के वो पा दो, 2 tablespoon लेमन जूस शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। ये लें जी, ये तैयार हो गए थे, ये लें व्यूअर, जूसर जग ले लिया। इसके अंदर मैंने तकरीबन ये 150 ग्राम दही शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है। ये 40 से 50 ग्राम ब्राउन प्याज शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 अदद टमाटर, गाली मुका रहे हैं, हर चीज़ स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने लगा हूँ। इसको उठाएं और सीधा ले जाएं इसको यहाँ पे, ये हैवी जूसर मशीन, इन्हें इसको बारीक कर दें। ये लें, ये हमने इसको इस तरह तैयार कर लिया, स्टेप बाई स्टेप आप मुझे यकीन है फॉलो कर रहे होंगे। इसको यहाँ पर ले आएँ, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें हमारी तैयार होगी, चावल भिगो देते, चिकन मैरिनेट कर दिता, आलू भी बेच दब दिते, साथ ये दही टमाटर, और ये हमने कंप्लीट कर दिया। स्टेप नंबर 4, 1/2 tablespoon ज़ीरा शामिल कर दें, ये तकरीबन 20 अदद साबित काली मिर्चें शामिल कर दें, 4 से 5 अदद लौंग शामिल कर दें, 2 बड़ी इलायची शामिल कर दें, 4 छोटी इलायची शामिल कर दें, 2 से ये टुकड़े छोटे तेज़पात के, ये 2 छोटे टुकड़े जो है ना दालचीनी के, ये शामिल कर दें। ये कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट तवज्जो से मेरी बात सुन रहे होंगे, इस तरह के बॉल ले लें, एक और स्टेप की तरफ आ रहे हैं। ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, आहा सुभान अल्लाह, ये बिरयानियाँ जान गई हाँ, लंबी कटी हुई। ये पुदीना थोड़ा सा बिरयानी की शान, ये थोड़ा सा धनिया, ठीक है, ये बकाया साइड पर करने लगा हूँ। ये देखें, आपको समझाने के लिए मैंने आसानी कर दी, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊँ, देखें ये यहाँ पे आए कैमरामैन, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने चावल भिगो दिए, आलू और चिकन मैरिनेट कर दिया, टमाटर दही और ब्राउन प्याज उसका ये पेस्ट बना के रख दिया, और ये धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें रख दी, खड़े मसाले जो जाएंगे वो रख दिए, बिरयानी मसाला कितना है किस टाइम पे जाएगा ये भी बताऊँगा, ये केवड़ा ज़ाफ़रानी केवड़ा ये किस टाइम पर जाएगा ये भी बताऊँगा। ये नहीं, एक पतीला इसके साथ ऊपर चढ़ा दें,
अभी फ्लेम ऑन नहीं किया, अभी पहले बॉयल कर लो फिर रेंज कर लो, ये नहीं है तरीका। मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। इसके अंदर नमक डाल दें, 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दें, ठीक हो गया। 1 किलो ये चावल थे हमने भिगोए थे, 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ये इसमें डाल दें। अब इसको आपने कितना बॉयल करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हमने 60% जो है ना बॉयल करना है। 4 कणियां 3 कणियां इधर छोड़ इन्हों ला लेना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी इससे। ये मैं 4 कणी 3 कणी क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर गुंजाइश क्यों रखनी है, ये मैं आपको इस स्टेप के बाद बताता हूँ। फ्लेम को ऑन कर दें और 60% इसको बॉयल कर लो, फिर मिलता हूँ। कितनी देर में होगा 60%? ये 4 से 5 मिनट में होगा, पानी को उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट या पूरे टोटल 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। हाई फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे। ये लें, इसके साथ का एक प्रेशर कुकर ले लें। हम तुम आखोगे बाबा प्रेशर कुकर क्यों रख लिया, प्रेशर कुकर है जी, मैं दसांगा बिरयानी की मैं बांट दी है, जदीद और शार्ट तरीके से बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर ये 150 ग्राम ऑयल शामिल कर दें, या जितना आप पसंद करते हैं उतना भी कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दें, ये गर्म हो ले थोड़ा सा, घी गर्म हो गया, फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दें और ये जो खड़े मसाले मैंने बताए थे ये शामिल कर दें और 1 मिनट तकरीबन इसको इसमें भून लें। एक मिनट के बाद ये जो हमने चिकन और आलू मैरिनेट किए थे इसको इसमें शामिल कर दें और इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लें। सुभान अल्लाह, खुशबुआ देखें, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है, आलू ने, आलूओं के अंदर भी पानी है, उन्होंने भी अपना पानी छोड़ना है। भुनाई पे कंप्रोमाइज ना कीजिएगा, अगर आपको टेस्टफुल खाने या टेस्टफुल बिरयानी चाहिए तो भुनाई अच्छे तरीके से कीजिएगा। मैं तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट भुनाई करूँगा मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर प्याज दही शामिल कर दें, आँच को स्लो कर दें, ये इसमें डाल दें और स्लो आंच पे 2 मिनट पकाएं। उसके बाद आंच को तेज खोल के इसका भी पानी पुश कर लूंगा, दही का टमाटरों का। दही और टमाटर का पानी पुश करने के बाद ये 2-4 घूंट पानी के थोड़ा सा ये शामिल कर दें, आंच को थोड़ा सा कम कर दें और इसको 3 मिनट के लिए कवर दे दें, ऐसे सिंपल कवर दे दें ताकि अच्छे तरीके से चिकन टेंडर हो जाए। ऐसा करें, एक पैन ले लें इसके साथ का, इसके अंदर 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून घी के ले लें, और ऑयल नहीं लेना घी लेना है, इसको गर्म कर लें। इधर हमारा ये देखिए तैयार हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये सब्ज मिर्चें धनिया पुदीना जो मैंने आपको बताया था ये इसके अंदर डाल दें, ऐसे ऐसे कोई मसला नहीं है। घी गर्म हो रहा है इधर, ये चावल उठाएँ, सब्ज मिर्चें पुदीना डाल के इसके ऊपर चावल डाल दें, कोई मसला भी नहीं है। थोड़ा सा इसको ऐसे फिला दें चावलों को, कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लिया करें। ऐसे ये ज़ाफ़रानी केवड़ा जो मैंने बताया था ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ही बनेगा, ये इसमें जाएगा, ये इसके इस टाइम पर डाल दें इसके अंदर। अगर ये ना हो तो सिंपल केवड़ा भी डाल सकते हैं। इतना डालें, 1 टेबल स्पून ये देख लें, ये घी गर्म हो गया थोड़ा सा, ये बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून शामिल कर दें, ऐसे हिला दें थोड़ा सा। बिरयानी मसाले की रेसिपी कर लें, हाँ बिरयानी मसाले की रेसिपी हमने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये ऐसे ऊपर से ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा सा पानी 2-4 घूंट ले लें, इसके ऊपर ऐसे डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसको कवर लगा दें प्रेशर कुकर का, इसमें ये लें ऊपर से इसका वेट लगा दें, ये लें जिसका वेट लगा दें, फ्लेम को हाई कर दें। विसल चलने के 2 मिनट के बाद हम इसको उतार देंगे, विसल जब चलेगी 3 मिनट के बाद विसल चलनी शुरू होगी, उसके बाद 2 मिनट में इसको दूंगा बस, उसके बाद इसका प्रेशर निकाल के आपसे मिलता हूँ। ये लें अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद विसल चलने के, हम इसको खोल दिया था स्टीम निकाल दी थी, इसकी कंडीशन देख लें आप, चावल भी गल गया बिल्कुल, हर चीज़ टेंडर हो चुकी है, बड़ी VIP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कमाल की बिरयानी बनी है, ये देखें इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अकेला अकेला चावल है, ये देख लें, और ये इसका आलू जो आलू था, ये आलू है, हर चीज गल चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। सुभान अल्लाह, ये ले जी, सुभान अल्लाह, ये ले जी। इसके ऊपर ये प्याज स्लाइस में कटा हुआ, ये इस तरीके से। एक किलो बिरयानी जो है ना, वो तकरीबन 7 लोगों की सर्विंग निकलती है, मैंने कई दफ़ा आपको बताया। रायता, सुभान अल्लाह, कमाल का, ये देखें इस तरह सर्व करें, ज़बरदस्त। ये नवी बार प्रेशर कुकर में बिरयानी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक किलो बिरयानी कितने लोग खा सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। एक किलो बिरयानी 7 पर्सन की जो है सर्विंग बनती है, 8 की भी हम निकाल लेते हैं। मेरे इलाके के हिसाब से 250 की बिरयानी की प्लेट है, आप रेट अपने इलाके के हिसाब से सेट कर दिया करें। अगर आपको हमारा ये तरीका, ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मेरा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।